आप किसी अपने को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए रात के 12 बजे का इंतजार करते हैं। वो पल आप खास बनाना चाहते हैं। जैसे ही 12:01 होता है, आप तुरंत बर्थडे की बधाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा दूसरा है। भोपाल पुलिस ने रात 12:05 में एक मामला दर्ज किया, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन बदल जाता है। इसलिए 1 जुलाई से देश में नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए थे। नए कानून के भारतीय न्याय संहिता के तहत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहला प्रकरण दर्ज किया गया है। एक युवक की शिकायत पर पुलिस के द्वारा गाली गलौज करने पर प्रकरण दर्ज हुआ है। सोमवार से देश भर में नए कानून लागू कर दिए गए हैं। धाराओं की संख्याओं में भी बदलाव किया गया है। राज्य की राजधानी भोपाल में देर रात नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली FIR दर्ज की गई है। ये प्रकरण हनुमानगंज थाने में दर्ज हुआ है। ये पहली FIR रात 12:05 पर दर्ज हुई। इमरानी मार्केट निवासी प्रफुल्ल चौहान ने शिकायत दर्ज कराई कि हरभजन ने उसके साथ गाली गलौज की है। उसके बाद पुलिस ने हरभजन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देश में सोमवार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए हैं। इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस अधिकारी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। जांच अधिकारी SI विवेक शर्मा ने बताया है कि इस घटना में पहले IPC 294 में FIR होती है और अब नई 296 में FIR दर्ज की गई है। इस धारा में सजा का प्रावधान पहले की तरह ही है, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। इन कानूनों के तहत हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही प्रकरण दर्ज करने के लिए नए सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया गया है। नए कानून के प्रति आमजन में जागृति लाने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से खास प्रयास किए गए। थाना स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोग नए कानूनों के बारे में बेहतर तरीके से जान सके। आने वाले समय में लोगों को इन प्रमुख धाराओं के भी बदलाव याद रखने होंगे। जहां पहले 302 हत्या थी, अब 103 एक ठगी या धोखाधड़ी के पहले 420, अब 318 4 चोरी के लिए पहले 379, अब 303 2 वे दुष्कर्म पहले 376, अब IPC 64 BNS कहलाएंगी। NBC ऑनलाइन की रिपोर्ट।